वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी फ्रेंड छाया। फ्रेंड्स, हम अपनी स्किन पर निखार लाने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करते। क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, पार्लर जाकर फेशियल करवाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, और भी बहुत सारे घर में भी फेस पर वगैरह लगाते हैं। पर ये सारी चीज़ें हमें बाहर से निखारती हैं। यदि हम अपनी स्किन पर नेचुरल ग्लो लाना चाहते हैं तो हमें अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। मैं आज आपको कुछ ऐसे फूड्स बताने वाली हूँ जिनको यदि आप लेंगे तो आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो आएगा, रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स वगैरह की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं वो फूड्स कौन कौन से हैं। उससे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के आइकन को कर दीजिए प्रेस। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। चलिए फ्रेंड, बताती हूँ फूड कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं टमाटर की। मैंने सुना था बचपन में, एक टमाटर लाल जो कोई खाए उसके घर में डॉक्टर कभी भी ना आए। तो टमाटर हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होता है, लाइकोपीन होता है, विटामिन सी होता है। बीटा कैरोटीन हमारी स्किन को यंग बनाने में हेल्प करता है, लाइकोपीन हमारी स्किन को एनर्जी देता है, हमारी स्किन पर ग्लो लाने का काम करता है, विटामिन सी स्किन सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, स्किन सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी स्किन ग्लोइंग बनी रहती है। इसलिए कहा जाता है 2 टमाटर कम से कम हमें सलाद के रूप में जरूर खाने चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सेकेंड फूड की। यहाँ मैं बात करूँगी अनार की। अनार में आयरन होता है बहुत सारा। अनार खाने से हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है। आपने देखा भी होगा, जब किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है तो डॉक्टर भी अनार खाने की सलाह देते हैं। आयरन के साथ साथ अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। अनार खाने से जब हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है तो हमारी स्किन पर रेडिएंट ग्लो आता है। जो इसमें आयरन होता है वो स्किन सेल्स को हेल्दी रखता है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, जिससे हमारी स्किन पर फंगस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जल्दी से नहीं होता। जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारी स्किन के अंदर जो सूजन आ जाती है उसको कम करते हैं, जिससे हमारी स्किन यंग और टाइट हो जाती है। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगी ब्रोकली की। ब्रोकली हमारी स्किन को ऑक्सीडेशन से बचाती है। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। आपने देखा होगा लोहे की कोई भी चीज़ रखे रखे गलने लग जाती है, उसकी महीन महीन परतें उतरने लग जाती है। ऐसा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के कारण होता है। ये प्रोसेस ऑक्सीजन के आयरन के साथ मिलकर जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से ही होती है। ये प्रोसेस हमारी स्किन में भी चलती रहती है, जिसे हम ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहते हैं, जो हमारी स्किन को कमज़ोर और बूढ़ा बनाती है। ब्रोकली में ऐसे गुण होते हैं जो हमारी स्किन को ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से बचाते हैं। इसलिए अपनी डाइट में सलाद के रूप में या सब्जी के रूप में ब्रोकली को ज़रूर शामिल कीजिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वेरीज की। वेरीज में आप आंवला खा सकते हैं, शहतूत खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, बेर खा सकते हैं, फल से खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं। जिस सीजन में जो भी वेरीज मिले उसे हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। वेरीज खाने से हमारी स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, हमारी स्किन यंग नज़र आती है। फ्रेंड, इसके अलावा वेरीज में विटामिन ए, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, आयरन, मिनरल्स, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसलिए हमें वेरीज को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं केले की। केला न्यूट्रिएंट्स का खजाना है और पूरी साल आराम से मिल जाता है, और फ्रूट्स के मुकाबले ये सस्ता भी होता है। फ्रेंड्स, केले में मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, फॉलिक एसिड्स, मिनरल्स और इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन सी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। हमें स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए एक केले को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये जो फूड्स मैंने आपको बताए हैं, यदि आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, यंग बनाना चाहते हैं, स्किन पर डार्क स्पॉट्स वगैरह नहीं चाहते, तो इन फूड्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। फिर देखिए आपकी स्किन पर कितना ग्लो नज़र आता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देते हैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।